दर्शकों, जय हिंद ज्ञान मुद्रा यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, मैं एक खुशखबरी देने जा रही हूँ उन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जिसमें हिंदी एक मुख्य विषय होता है, चाहे वो उत्तराखंड में निकली हुई वैकेंसीज के लिए हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, किसी भी हमारे इंडिया के अंदर। क्योंकि जब हम हिंदी में अच्छी स्कोरिंग करते हैं तो हमारा एग्ज़ाम क्रैक करने का रास्ता साफ हो जाता है। मैंने हिंदी भाषा का विकास की ये सीरीज़ लेकर के आ रही हूँ ट्रिक के साथ। देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी भाषा का विकास पढ़ाऊँगी, उसके बाद हिंदी साहित्य का विकास पढ़ाऊँगी। देखिए, हिंदी भाषा के विकास में वर्गीकरण से शुरू करते हैं। हिंदी विश्व की 3000 भाषाओं में से एक है। कितनी भाषाएं हैं टोटल विश्व में? लगभग 3000 हैं, उनमें से एक मुख्य भाषा है। अब देखिए, आकृति या रूप के आधार पर यह एक वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। देखिए, क्वेश्चन आता है आकृति या रूप के आधार पर हिंदी कौन सी भाषा है? वियोगात्मक में टिक कीजिएगा, संश्लेषात्मक में नहीं, वियोगात्मक। अब भाषा परिवार के आधार पर, अगर हम भाषा परिवार के आधार पर देखते हैं तो हिंदी भारोपी इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है। अब देखते हैं, भारत में, हमारे देश में मुख्यतः 4 भाषा परिवार हैं, भारोपी, द्रविड़, आस्तिक, चीनी, तिब्बती। अब बोलने में प्रतिशत है, भारोपी सबसे ज़्यादा बोला जाता है 73%, द्रविड़ 25%, आस्तिक 1.3 और चीनी तिब्बती सबसे कम। देखिए, मैंने ट्रिक बनाई है, जैसे हम अमूमन कहीं पर स्लोगन लिखा होता है धूम्रपान करना मना है, वैसे BDAC में पीना मना है। ये पीना मना है साइलेंट कर दीजिए, BDAC में पीना मना है। देखिए, बी से भारोपी हो गया, अगर हम इंग्लिश में देखें, डी से द्रविड़, ए से आस्तिक और सी से चीनी तिब्बती। अब देखिए, हिंदी भारोपीय परिवार के, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इससे अगर डीप क्वेश्चन पूछेगा तो इससे ज़रूर आएगा, हिंदी भारोपी के भारत ईरानी इंडो ईरानियन शाखा के भारतीय आर्य इंडो आर्यन उपशाखा की एक भाषा है। हिंदी क्या हो गई? देखो, उपशाखा किसकी उपशाखा हो गई? इंडो आर्यन, भारतीय आर्य, और भारतीय आर्य किसकी शाखा हो गई? इंडो ईरानियन की। अब देखिए, समयानुसार देखते हैं तो भारतीय आर्य भाषा, अब ये भारतीय आर्य भाषा जिसकी उपशाखा हिंदी है, ये आर्य भाषा हम 3 खंडों में विभक्त करते हैं इसको। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, उदाहरण के लिए वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। अब वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को क्या कहा गया है, मैं अभी बताऊँगी। मध्यकालीन 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक आता है, जिसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाएं आती हैं। आधुनिक भारतीय 1000 ईस्वी से अब तक माना गया है हिंदी और हिंदीतर भाषाएं आते हैं। हिंदीतर भाषाओं में आता है जैसे बांग्ला हो गया, उड़िया हो गया, असमिया, मराठी, गुजराती। चलिए आगे ले चलती हूँ। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जिसके अंतर्गत वैदिक संस्कृत है, इसका अन्य नाम छांदस है। वैदिक संस्कृत का अन्य नाम क्या है? छांदस है, जिसका प्रयोग किसने किया? यास्को और पाणिनि द्वारा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच किया गया। अब हम सोचेंगे, आप लोग सोचेंगे कि पाणिनि कैसे आ गए, पाणिनि का तो लगभग इतना, पाणिनि के जन्म के विषय में कोई भी जो है निश्चित मत नहीं है। अमूमन हम माना जाता है कि कहीं पर 520 से 560 ही माना जाता है, लेकिन पाणिनि ने इसका उपयोग किया है। दूसरी आ गई यहाँ पर लौकिक संस्कृत। अब लौकिक संस्कृत का अन्य नाम संस्कृत दिया, वो ये तो बिल्कुल पाणिनि द्वारा प्रयुक्त किया गया है, इसके प्रमाण भी मिलते हैं कि लौकिक संस्कृत का अन्य नाम संस्कृत है। और वैदिक संस्कृत का अन्य नाम क्या है? छांदस हो गया, यास्को पाणिनि द्वारा। लौकिक का संस्कृत किसने प्रयुक्त किया? पाणिनि ने। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, मध्यकालीन भारतीय, देखो मैंने प्राचीन पढ़ा दिया, मध्यकालीन को भी 3 खंडों में विभक्त किया गया है। प्रथम प्राकृत काल 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, ठीक है, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, इसमें पाली का प्रभुत्व रहा है, जिसमें इसको भारत की प्रथम देशभाषा का दर्जा भी प्राप्त है। भारत की प्रथम देशभाषा पाली बनी, भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली में हैं। द्वितीय प्राकृत काल, इसमें प्राकृत भाषा का एकाधिकार रहा है, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक भगवान महावीर के सारे उपदेश प्राकृत में हैं। क्वेश्चन आता है तृतीय प्राकृत काल, जिसमें अपभ्रंश और अवहट्ट संक्रमणकालीन संक्रांतिकालीन भाषाएं बनी,
इसका मतलब ये है कि देखिए द्वितीय प्राकृत से अपभ्रंश के बीच की जितनी भाषाएं कुछ तो आगे पड़ी कुछ विलुप्त हो गई, उनको संक्रमणकालीन एवं संक्रांतिकालीन भाषाएं कहते हैं। देखिए अब मैंने पहले प्राचीन पढ़ाया फिर मध्यकालीन, अब आधुनिक में चलते हैं। आधुनिक आर्य भाषा, आर्य भाषा इसलिए कह रहे हैं कि हिंदी इसकी एक उपशाखा है। एक्सक्यूज मी, तो प्राचीन हिंदी 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक आ गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के संबंध में लिखा गया है 1191 के में पृथ्वीराज रासों लिखा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का वर्णन है। और इसी के बीच 1100 से 1400 के बीच हमारे देश में कितने वंश आ गए थे, गुलाम, तुलक, खिलजी, ये सब वंश आ गए थे। अब मध्यकालीन 1400 से 1850 ईस्वी तक रामचरितमानस इसी में लिखा गया है, 16वीं सदी में लिखा गया है अवधि भाषा में। और रामचरितमानस किसने लिखा गया है, लिखा है आप सब जानते होंगे, तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास कृत, जो अवधी भाषा में है। अनेक बार पूछा जाता है लोग ब्रज भाषा लगाते हैं, लोग जो है सौरसेनी लगाते हैं, नहीं अवधी भाषा में लिखा गया है आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक। अब देखिए हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है, विकास क्रम देखिए संस्कृत, वेदों की वेद भी हमारे संस्कृत में लिखी गई है, उसके बाद आया बौद्ध, देखो वैदिक काल के बाद क्या आ गया, लेटर वैदिक के बाद बौद्ध काल, बौद्ध काल में कौन थे, महात्मा बुद्ध, पाली, फिर महावीर स्वामी आ गए, प्राकृत भाषा में उनके उपदेश हैं, फिर अपभ्रंश आ गई, अवहट आ गई, फिर उसके बाद प्राचीन हिंदी का विकास हो गया। यही अपभ्रंश जो है इसमें परिवर्तन हो करके जिस ये आजकल की हिंदी को हम जब ये उसी का रूप है, अपभ्रंश का ही रूप है ये। देखिए अब अपभ्रंश का विकास कहाँ से हुआ, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच मध्य हुआ, लेकिन साहित्य का आरंभ, देखिए अपभ्रंश का विकास तो हो गया लेकिन इसमें साहित्य किसने लिखा, स्वयंभू कवि ने लिखा। बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है उनको, पौमचरित राम काव्य और धनपाल भविष्यत कहा, अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य लिखा गया है इसमें। अपभ्रंश के भेद हैं सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्राचर और महाराष्ट्री। देखिए अब इसमें ट्रिक बनाई है मैंने, शोर पश्चिम में राग से हुआ, शोर पश्चिम में राग से हुआ, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। देखिए अर्धमागधी कुछ नहीं है इसमें, पूर्वी हिंदी है, और मागधी में है माघ बिहारी की उड़कर बंगाल के आसमान में पहुंची, बिहारी उड़िया बंगला असमिया। अब पहाड़ी और सिंधी आगे पंजाबी सिंधी ये सौरसेनी से ही प्रभावित हैं, और महाराष्ट्री मराठी। दर्शकों मैंने इसमें जितना हो सकता था कुछ नहीं छोड़ा है, इससे नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का भाग बताऊंगी, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मुझे एक कमेंट्स लिखिए कि स्वयंभू अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन